नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme C51। दोस्तों अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे आपको अपने फोन में चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन दो मैसेज को डिलीट किया है लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर मुझे इसे रीड करना हुआ तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन लास्ट 24 आवर का। ये रहा लास्ट 24 आवर, व्हाट्सएप का आइकन है, एरो पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो करेंगे वो मैसेज जो सामने वाले ने किए थे डिलीट। टाइम के साथ आप उन्हें रीड कर पाओगे। इस फोन में आपको इनेबल करना है जेस्चर नेविगेशन को ताकि आप अच्छे से अपने फोन को यूज कर सको। जैसे कि अगर आपको होम पेज पे जाना हुआ तो आपको करना है स्वाइप अप, अगर आपको बैक जाना हुआ तो आपको करना है राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप बैक जाने के लिए, अगर आपको अपने रिसेंट एप्स को देखना हुआ तो आपको करना है स्वाइप अप एंड होल्ड। इस तरीके से आपको शो करेंगे आपके रिसेंट एप्स। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, जेस्चर्स में, सिस्टम नेविगेशन में और आपको इनेबल करना है जेस्चर नेविगेशन। इस फोन को पावर अप करने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब कि अगर आपको स्विच ऑफ करना हुआ अपने फोन को तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है तभी आपको मिलता है ये पावर मेनू जहां से आप अपने फोन को रिस्टार्ट या फिर स्विच ऑफ कर पाओगे। हालांकि अगर आप चाहो तो केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके भी इसे ऑन कर सकते हो, आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, जेस्चर में, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन और आपको होल्ड फॉर असिस्टेंट इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा पावर की पे तो मेरे फोन में ओपन होगा ये पावर मेनू। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, लॉक भी खुल जाता है लेकिन आपको एंड में करना होता है स्वाइप अप तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो फेस अनलॉक करने के बाद मुझे एंड में स्वाइप अप ना करना पड़े तो आप बिना स्वाइप अप किए भी डायरेक्ट फेस अनलॉक को इनेबल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, फेस एंड फिंगरप्रिंट पे टैप कीजिए, फेस अनलॉक पे टैप कीजिए और यहां पे होगा स्किप लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को लॉक करूंगा और फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा तो मुझे अब एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। इस तरीके से आप देख सकते हो इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आपको अपने फोन के डिस्प्ले को ऑफ करना हुआ तो आपको डबल टैप करना है ब्लैंक एरिया पे। हालांकि डबल टैप टू ऑन का फीचर ठीक से वर्क नहीं करता, आपको अपने डिवाइस को ऊपर की ओर रेस करना है, डबल टैप करना है, उसके बाद ही डिस्प्ले ऑन होगा। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, लॉक स्क्रीन में और यहां पे होगा ये ऑप्शन डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपको जाना है बैक और यहां पे होगा स्मार्ट कंट्रोल, इसे ओपन कीजिए और आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है स्मार्ट वेक को। आपने गौर किया होगा अगर आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलता है इस तरीके से स्कैनिंग का पॉपअप जिसमें आपका जो ऐप है स्कैन होता है। अगर आप चाहते हो इस तरीके से स्कैनिंग का पेज शो ना करे ऐप इंस्टॉल होने के बाद तो आप इस पेज को डिसेबल कर सकते हो, आपके फोन में जो ऐप होगा स्कैन नहीं होगा इस तरीके से। तो इसे डिसेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, सी ऑल एप्स पे टैप कीजिए, यहां पे होगा शो सिस्टम, उस पे टैप कीजिए और आपको अब सर्च करना है सिक्योरिटी, आपको मिलेगा ये ऐप जहां पे लिखा होगा सिक्योरिटी एनालिसिस, इस पे टैप कीजिए और नीचे आइए यहां पे होगा डिस्प्ले और अदर एप्स, इस पे टैप करके आपको करना है इसे ऑफ। इसके बाद अगर मैं किसी भी ऐप को करूंगा इंस्टॉल तो मुझे अब ऐप स्कैनिंग का पेज शो नहीं करेगा, अब मेरे फोन में जो ऐप स्कैनिंग का पॉपअप है वो डिसेबल हो चुका है। इस फोन में आपको मिलता है मिनी कैप्सूल का फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, यहां पे मिनी कैप्सूल, आपको इसे ऑन करना है और आपको इन सभी को ऑन करना है। तो इससे होगा क्या, तो जब भी आप अपने फोन को चार्ज पे प्लग इन करोगे या आपके फोन में लो चार्ज है या आपने फुल्ली चार्ज किया अपने फोन को तो आपको यहां पे मिलेगा कैप्सूल फॉर्म में एक नोटिफिकेशन। सेम तरीके से अगर आप 90% डेटा यूज करोगे आपके लिमिट का तो यहां पे भी शो करेगा मिनी कैप्सूल। आपने गौर किया होगा होम पेज पे और ऐप ड्रॉअर में आपको शो करते हैं कुछ अनवांटेड एप्स जैसे कि हॉट एप्स और हॉट गेम्स। अगर आपको इन्हें यहां से रिमूव करना हुआ तो आपको दोनों में से किसी भी एक पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहां पे होगा ऑप्शन
हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद आपके होम पेज पे और ऐप ड्रॉअर में हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स शो नहीं करेंगे, हमने उन्हें कर दिया रिमूव। अगर आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को एंटर करोगे तो आपको इस तरीके से शो होंगे पासवर्ड के लेटर्स। तो अगर बगल में कोई बैठा होगा तो जान पाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से पासवर्ड बॉक्स में लेटर शो ना करे तो आप लेटर को हाइड कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और यहाँ पे होगा शो पासवर्ड का ऑप्शन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं करूंगा पासवर्ड को एंटर तो अब मुझे यहाँ पे लेटर शो नहीं करेंगे, अब यहाँ पे शो करेंगे केवल डॉट्स और डॉट्स। आप इस फोन में किसी भी ऐप को पॉपअप विंडो में ओपन नहीं कर सकते, मतलब कि स्मॉल विंडो में आप ओपन नहीं कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है केवल स्प्लिट टॉप का, लेकिन पॉपअप विंडो का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि आप अपने ऐप्स को पॉपअप विंडो में भी ओपन कर पाओगे, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, वर्जन पे टैप कीजिए, बिल्ड नंबर पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बैक जाइए सिस्टम में और यहाँ पे आपको मिलेगा नया ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करना है। आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस जिन्हें आपको करना है ऑन। तो ये है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, और एंड में इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे ऑन करके आपको करना है रिबूट। नाउ अपने फोन को रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे रिसेंट ऐप में तो आपको मिलेगा यहाँ पे नया ऑप्शन जो है फ्रीफॉर्म का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप अब किसी भी ऐप को पॉपअप विंडो में ओपन कर पाओगे, तो आपको इस तरीके से टैप करना है, आप इसे जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कर पाओगे। अगर आपको इसकी साइज चेंज करनी हुई तो आपको कॉर्नर से करना है ड्रैग, इस तरीके से इसकी साइज को चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को यूज कर पाओगे स्मॉल विंडो में। इसे मैक्सिमाइज करना हुआ तो ये ऑप्शन दिया गया है फुल स्क्रीन के लिए और ये क्लोज करने के लिए। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को ऑन करोगे फिर भी जो ऐप्स होंगे डार्क मोड में शो नहीं करेंगे, जैसे कि Amazon, Flipkart। आप देखोगे ये जो ऐप्स है डार्क मोड में शो नहीं कर रहे, अभी भी इनमें शो कर रहा है लाइट मोड। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में सभी ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, डेवलपर ऑप्शंस में, और यहां पे होगा ओवरराइड फोर्स डार्क, आपको उस ऑप्शन को ऑन करना है। तो ये रहा ऑप्शन ओवरराइड फोर्स डार्क, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद आपको उन ऐप्स को रिस्टार्ट करना है, जैसे कि Amazon, Flipkart को, फिर से उसे ओपन कीजिए। तो अब आप देखोगे इन ऐप्स में शो करेगा डार्क मोड, आप देख पा रहे हो Flipkart अब डार्क मोड में शो कर रहा है, सेम तरीके से Amazon भी अब आपको शो करेगा डार्क मोड में। होम पेज पर अगर आप करोगे स्वाइप अप तो आपको मिलता है ये ऐप ड्रॉअर, और जैसे आप उसे ओपन करोगे आपके फोन में ये कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है सर्च करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद मुझे इस तरीके से कीबोर्ड शो ना करे तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। तो ऐप ड्रॉअर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गियर का आइकन, ये रहा ऑल ऐप्स के सामने होगा गियर का आइकन, आपको इस पे टैप करना है, और यहाँ पे है डिस्प्ले कीबोर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं ऐप ड्रॉअर को ओपन करूंगा तो मुझे कीबोर्ड शो नहीं करेगा। आपने गौर किया होगा इस फोन में बाय डिफॉल्ट अप्लाई की गई है ये कलर थीम, तो आपके यूआई में और क्विक टॉगल में आपको शो करेगा ये कलर। हालांकि आप इस कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर इन स्टाइल में, और यहाँ पे होगा कलर का ऑप्शन, वॉलपेपर कलर और बेसिक कलर। तो यहाँ पे आपको जो कलर अप्लाई करना है उस पर टैप कीजिए इस तरीके से। तो आप देखोगे थीम कलर जो है चेंज हो चुका है। अगर आपको सेट करना है बेसिक कलर तो बेसिक कलर पे टैप कीजिए, मतलब सिंगल कलर, तो आप किसी भी कलर को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि मुझे ऐड करना है या अप्लाई करना है पर्पल, तो आप देखोगे अब आपके फोन की यूआई में शो करेगा आपको पर्पल कलर, और आपका जो यूआई है वो भी आपको मिलेगा पर्पल कलर में। इस फोन में आप ड्यूल ऐप को भी इनेबल कर पाओगे, मतलब कि आप एक ही ऐप को दो अलग अलग प्रोफाइल के साथ यूज कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, ऐप्स में, और लास्ट में यहाँ पे होगा पैरेलल ऐप्स का फीचर, आपको इसे ओपन करना है। तो जो भी ऐप्स यहाँ पे शो कर रहे हैं उन सभी ऐप्स को आप इनेबल कर पाओगे ड्यूल ऐप में, तो आपको इस तरीके से उन्हें ऑन करना है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को इनेबल कर दिया है, तो आप देखोगे ऐप ड्रॉअर में आपको शो करेंगे दो व्हाट्सएप और दो इंस्टाग्राम, ये रहे दो इंस्टाग्राम और दो व्हाट्सएप। मान लीजिए आपको अपने फोन को किसी को देना है, जैसे कि आपके बच्चों को या किसी भी फ्रेंड को, और अगर आप उन्हें एक ही ऐप में लॉक करना चाहते हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपका बच्चा या आपके फ्रेंड एक ही ऐप यूज कर पाएगा, दूसरे ऐप को ओपन नहीं कर पाएगा, जिसे कहते हैं ऐप पिनिंग। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, और इनमें होगा यहाँ पे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए, और इनमें है ऐप पिनिंग, आपको इसे ऑन करना है, ओके कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी और को फोन देना है प्ले स्टोर को ओपन करके, और आप चाहते हो जो बंदा है प्ले स्टोर ही ओपन करे, तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में, और यहाँ पे होगा पिन का ऑप्शन, ये रहा पिन,
टैप कीजिए, गॉट इट कीजिए, तो जो बंदा होगा अब आपके फोन में इसी ऐप को यूज कर पाएगा। अगर बैक जाना चाहेगा किसी दूसरे ऐप में तो नहीं जा पाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा जो कंट्रोल सेंटर है उसे भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको अनपिन करना है इस ऐप को तो आपको करना है बॉटम से स्वाइप अप एंड होल्ड इस तरीके से, फिर आपको अपने फोन को अनलॉक करना है, तभी जो ऐप होगा हो जाएगा अनपिन, आप देख सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है पॉकेट मोड का फीचर, जिसे बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा गया है, तो उसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्मार्ट कंट्रोल में, और यहां पे होगा पॉकेट मोड, आपको इसे ऑन करना है। फिर आपको इन तीनों को ऑन करना है ताकि जब भी आप अपने फोन को पॉकेट में रखोगे तब आपके फोन में टच काम नहीं करेगा। इसके अलावा जब भी आपको कोई कॉल आएगा तो रिंगटोन और वाइब्रेशन मैक्सिमम लेवल पे प्ले होगा, ताकि जब भी कोई कॉल आए तो आपको आसानी से पता चले कि आपको कॉल आ रहा है। मान लीजिए आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है और ऐसे में अगर आपको कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है तो आप चाहते हो आपके फोन में डिस्प्ले ऑन हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कोई भी नया मैसेज आएगा तो आप देखोगे मेरे फोन में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इस फीचर को इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, लॉक स्क्रीन में, और यहां पे होगा एक ऑप्शन वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, आपको इसे ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है वीडियो एनहांसमेंट का फीचर, मतलब कि जब भी आप अपने फोन में यूट्यूब को प्ले करोगे तो उसमें जो वीडियो क्वालिटी है इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो में आपको शो करेंगे ब्राइटर और विविड कलर, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, और यहां पे होगा वीडियो डिस्प्ले एनहांसमेंट, आपको इसे ओपन करके ऑन करना है। अगर आपको अपने फोन में स्टेटस बार पे बैटरी लेवल को शो करना है परसेंट में, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, और यहां पे होगा बैटरी परसेंटेज, आपको इसे ऑन करना है। अब आपको यहां पे शो करेगा बैटरी लेवल परसेंट में। अगर आपको अपने होम पेज पे प्लेस करना है एक शानदार क्लॉक स्टाइल को, तो आपको सबसे पहले इसे रिमूव करना है। लॉन्ग टैप करके से कीजिए रिमूव, फिर यहां पे लॉन्ग टैप कीजिए, जाइए विजेट में, फिर आपको टैप करना है क्लॉक पे, और यहां पे आपको मिलेंगे अलग अलग विजेट, आपको जिसे चूज करना है उस पे लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए, और यहां पे आपको मिलेंगे ये चार स्टाइल के अलग अलग क्लॉक फेस, जिसे सेट करना है उस पे टैप कीजिए, तो आपके होम पेज पे आप शो करेगा इस तरीके से एक क्लॉक विजेट, जो काफी शानदार लग रहा है। और थीम कलर के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता रहेगा, तो अगर आप जाओगे वॉलपेपर में यहां पे कलर को अगर आप चूज करोगे, जैसे कि मान लेते हैं ग्रीन को, तो आप देखोगे अब जो क्लॉक स्टाइल में कलर है वो भी चेंज होगा, आप देख सकते हो। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके रियलमी C51 में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।